तानी तानी का टिफिन लेके आई हूँ। बच्ची बस मत रो ना मत रो मत रो मेरी बच्ची मत रो। तू चिंता मत कर, मैं तुझे यहाँ से छुड़ाऊंगी। तुझे मुझ पर विश्वास है ना? मेरी बच्ची चल अब खाना खा ले। देख सब तेरी मनपसंद की चीजें बनाई है मैंने। मुझे पता है तुझे ये बहुत अच्छा लगता है। माँ उन्होंने खाया? तेरे घर गया होगा, उसकी माँ उसे खिला देगी। तो चिंता मत कर, तू खा। आपने खाया? क्या तानी जेल में? माँ इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? अनुराग तू मुझे बता नहीं सकता था? इतनी बड़ी बात और तानी और जेल में। चलो माँ चलो, आप चलो। चलो कहाँ? कहाँ मतलब? तानी को जेल से छुड़वाना नहीं है क्या? अरे पापा अभी पैसों का इंतजाम नहीं हुआ है और अभी उसका जमानत के कागज भी। माँ आप उसकी चिंता मत करो, आप बस चलो मेरे साथ। चलो चलो आप। So gentlemen, that's it for the day. Thanks for coming. शेखर तुम कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं वो अपने बेटे को लेकर जरा परेशान हूँ। पता नहीं उसकी लाइफ किस डायरेक्शन में exactly किस डायरेक्शन में जा रही है। शेखर हमारे बच्चों की लाइफ का डायरेक्शन हम लोग तय करते हैं। तुमने अनुराग को कुछ ज्यादा ही इमोशनल बना दिया है, इतना कि वो तुम्हारी इस लाइफ स्टाइल के साथ कोप अप नहीं कर पा रहा। और अगर यही हाल रहा तो वो तुम्हारा बिजनेस कभी नहीं संभाल पाएगा। अरिंदम तुम सही कह रहे हो, लेकिन अनुराग अभी बच्चा है। ये तुम कह रहे हो शेखर? जब तुमने बिजनेस शुरू किया था तो तुम्हारी उम्र कितनी थी? हाँ लेकिन उस वक्त वो मेरी जरूरत थी। हाँ तो ये आज अनुराग की जरूरत है। अगर आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सक्सेस होना है, स्टैंड होना है, तो उसकी ट्रेनिंग अभी से शुरू करनी होगी। तुम्हें नहीं लगता हम उससे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैंने कब कहा कि उसे रोज रोज ऑफिस बुलाओ? तुम उसे पढ़ाना चाहते हो, पढ़ाओ उसे, लेकिन उसे ऐसी पढ़ाई करवाओ जो आगे चलकर उसके काम आए। पर तुम्हारे जैसे बिजनेसमैन के बेटे को लंदन या अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए। भेज दो उसे, अपनों से दूर, घर से दूर रहेगा तो स्ट्रांग बनेगा, टफ बनेगा और सक्सेसफुल भी। ठीक कह रहे हो तुम। कुछ ना कुछ तो अनुराग के बारे में सोचना ही होगा, वरना अपनी माँ के साथ रहकर वो भी उसी के जैसा जज्बाती बन जाएगा। करेक्ट। चलता हूँ, डिनर पे मिलता हूँ। ठीक है सर। बासु अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। आई एम सॉरी सर, वो मैं एक्चुअली कुछ कागजात साइन करवाने आया था तो आप दोनों की बातें सुन ली मैंने सर। सर अनुराग शेखर गांगुली का बेटा है सर। लंदन वंदन की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए उसे। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ सर, आप अनुराग को बासु अंकल के साथ क्यों नहीं भेज देते सर? अच्छी एजुकेशन के साथ बिजनेस भी अच्छी तरह से सीख जाएगा। और आप दोनों की दोस्ती इतनी करीबी है कि उस घर में, उस माहौल में बहुत जल्द एडजस्ट हो जाएगा अनुराग सर। और फिर नीलू माँ को भी किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। एक बात तय है सर, अगर अनुराग यहाँ रहा तो वो उसी बातों की तरफ खिंचा चला जाएगा जिन बातों से आप उसे दूर रखना चाहते हैं। सही कह रहे तुम, लेकिन नीलू नहीं मानेगी। वो अनुराग के बगैर रह नहीं पाएगी। एनीवे, थैंक्स फॉर द सजेशन। क्या अब मैं तानी को घर ले जा सकती हूँ? जी। थैंक यू। तानी, नीलू, नीलू, तूने तानी की जमानत, जानती हूँ कि तू तानी को अपना बेटी मानती है, लेकिन दी मैं जानती हूँ आप नहीं चाहती कि हम आप पर कोई उपकार करें। यही कहा था ना आपने अपने शेखर दा से। आपका स्वाभिमान इस रिश्ते से ज्यादा मायने रखता है। अरे आइए आइए शेखर बाबू, आइए बैठिए। आप अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स और एग्रीमेंट साथ लाए हैं ना? जी वकील साहब, ये रहे। सर के जितने सारे प्रॉपर्टीज हैं उसके सारे पेपर्स यहाँ रहे। बस सर इतना जानना चाहते थे कि वैल्यूएशन के लिए कितना टाइम लगेगा? यही कोई 10 दिन। अरे बाबू जरा 2 चाय इधर देना। सेठ जी आप बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? बिना ओरिजिनल पेपर के प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन नहीं हो सकता। आप जाइए यहाँ से। ये ओरिजिनल पेपर्स ही हैं वकील बाबू, देखिए। अरे सेठ जी आप जाइए। क्या मजाक बना रखा है? अगर इनके पेपर पूरे नहीं है तो मेरा काम कर दीजिए ना। मैं अपने पूरे पेपर्स अपने साथ में लेकर आया हूँ। लाइए आपकी फाइल दीजिए। लीजिए। दुकान किसके नाम पर है? देखिए ये दुकान बिमलेंदु बैनर्जी के नाम पर है और वो इस दुनिया में नहीं रहे। सुनिए, किस दुकान का वैल्यूएशन करने आए हैं आप? आप कौन है भाई? आपसे मतलब है बिमलेंदु बैनर्जी की दुकान कभी बेची नहीं जा सकती, समझे आप? अरे क्यों नहीं बिक सकती? देखिए बिमलेंदु जी ने खुद ये दुकान मेरे पास गिरवी रखी थी और मैंने खुद अपने हाथों से उन्हें 5 लाख रुपए दिए थे। मेरा हक बनता है ये दुकान बेचकर अपने पैसे वसूल करने का। आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। आज ही। लेकिन वो दुकान किसी भी कीमत पे बेची नहीं जा सकती। रितेश, इसका जो भी हिसाब किताब बनता है अभी इसी वक्त क्लियर कर दो। हाँ रितेश, हम दोनों ने एक साथ बिजनेस शुरू किया था, तब से लेकर आज तक वो दुकान हमारी दोस्ती की निशानी है। उसे इस तरह नीलाम होते हुए मैं नहीं देख सकता। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि लाबोनी बौद्धी ने भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। खैर कोई बात नहीं। रितेश, तुम आज ही से निपटा था। डोंट वरी सर। ओके सर, गुड डे सर। आइए भैया आइए। हाँ तो कितना देना बनता है आपको? कहा ना 5 लाख। 5 लाख। यदि आपको 10 लाख दिए गए तो इस डील के बारे में क्या कहना है आपको? हाँ लेकिन नहीं नहीं भाई साहब, ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। बस मैं जो कह रहा हूँ आपको वो मेरी बताई हुई जगह पर जाके कहना है बस। लेकिन कहना क्या है? आपको सिर्फ इतना कहना है कि आपको तो मैं कल आने को बोली थी ना। अब मेरा मतलब है कि अभी पैसों का इंतजाम नहीं हुआ है। मैं कोशिश कर रही हूँ पर। नहीं नहीं नहीं, मैं समझता हूँ। सच कहूं तो मुझे भी इस तरह से बार बार आपके दरवाजे पर आना अच्छा नहीं लगता, पर क्या करूं, पैसों का सवाल है और रकम भी बहुत बड़ी है। और आपकी यह हालत, आप कैसे चुका पाएंगे इतने पैसे? बस यही सोचकर मैंने शेखर जी से इस बारे में बात की थी। शेखर जी से? उनसे बात क्यों की आपने? अरे क्या बात कर रहे हैं बॉडी, बिमल जी और शेखर जी की दोस्ती के बारे में तो पूरा कलकत्ता जानता है। बस मैंने सोचा शेखर जी के सामने आपकी मुश्किल रखेंगे, वो चुटकी बजाकर हल कर देंगे। लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि मैं पैसा चुका दूंगी, फिर आप क्यों शेखर जी के पास? सच कह रही हैं आप, मुझे शेखर जी से बात नहीं करनी चाहिए। देखिए ना, आजकल बाप बेटे का रिश्ता भूल जाता है, और वो तो सिर्फ बिमल बाबू के दोस्त थे। उन्होंने जिस तरह से मेरी बातों पर रिएक्ट किया ना, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ सच। क्यों, क्या बोले शेखर था? उन्होंने कहा कि बिमल गया तो उसकी अस्थियों के साथ साथ हमारी दोस्ती भी गंगा में विसर्जित हो गई। बस मुझे कुछ लेना देना नहीं है, उसकी दुकान जाती है तो जाए, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों गए थे आप शेखर के पास? तो मैं आपका भला सोच रहा था। आपको भला सोचने का कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है। आपको तो सिर्फ अपना पैसा चाहिए ना, और मैं आपको बोली थी ना कि मैं पैसा चुका दूंगी। मेरा पति ने कभी भी किसी का पैसा नहीं लिया। उन्होंने आपसे पैसा लिया था ना, तो मैं उनका पैसा चुकाऊंगी। आपको आपका पैसा मिल जाएगा, अभी जाइए यहाँ से। ठीक है जी, जैसी आपकी मर्जी। नमस्कार। माँ, आज खाने में क्या बना है? मुझे बहुत भूख लग रही है। ऐसा कहा शेखर दादा ने? कहा कि कोई रिश्ता नहीं है हमारा उनसे। ऐसे कैसे, इतना जल्दी दोस्ती भुला दिया इनकी? नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। इनका इज्जत और मान मैं रखूंगी। कहीं से भी पैसा जमा करके कैसे भी, लेकिन 5 लाख रुपए कैसे, कहां से? मैं जरा जरूरी काम से जा रही हूँ बाबा, 3-4 घंटे लग जाएंगे। तापोज दादा आते ही होंगे, तू कहीं बाहर मत जाना। अरे माँ माँ सुनो तो। अरे चली गई। तानी इतनी रात का है, यहाँ घर के बाहर क्या कर रही है? तानी इतने रात के तू यहाँ क्या कर रही है? अनु वो माँ बाहर गई हुई है और अभी तक वापस नहीं आई है, और तापस दादा भी नहीं आए अभी तक, इसीलिए। तू घर में अकेली है? एक काम कर, चल मेरे घर चल। नहीं नहीं अनु, मैं यही ठीक हूँ। तानी, अब तक मेरे पापा से नाराज है ना तू, इसलिए घर नहीं आना चाहती ना? फिर ठीक है, माँ और दादा नहीं आते ना तब तक मैं यहीं रुका हूँ, ओके? ओनो, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना। ओनो, तू समझ क्यों नहीं रहा है? तेरे इस तरह यहाँ आना तेरे बाबा को अच्छा नहीं लगेगा। अरे बाबा अब तक सो गए होंगे और मैं कहाँ यहाँ रात भर रुका हूँ? माँ और दादा आते तब तक तुझे कंपनी दे रहा हूँ ना। चल अब अंदर चल। और सुन, अकेले में डर रही थी ना? हाँ अनुराग, 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 अनुराग। क्या हुआ पापा? पता नहीं, अनुराग कहीं चला गया, अपने कमरे में भी नहीं है। जब से तानी जेल गई है तब से उसका चेहरा नहीं देखा मैंने। कुछ काम था उससे बाबा? हाँ वही, उसके करियर के बारे में बात करनी थी। अरे देखना जरा, उसे अगर मिल जाए तो मेरे पास भेज देना। जी बाबा। कहाँ जा रहे हो? अरे अनन्या के कमरे में होगा यार, नहीं तो फिर गेस्ट रूम में होगा, देखो जाके। बाबा अनुराग तानी के घर गया है, मैंने खुद उसे अपनी आंखों से वहां जाते हुए देखा। इतनी रात गए तानी के घर? जी बाबा, मैं उसे बुला कर ला। नहीं तुम रुको, मैं खुद बुला कर लाता हूं। अरे सुन, तू सचमुच लाबोनी माँ और तापो दादा के लिए खाना बनाने जा रही है? मुझे नहीं लगता तू गैस भी जला सकती है। तू ना यहाँ चुपचाप बैठ और देख, तब तुझे समझ में आएगा मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। तानी छोड़ ना, क्यों बेवजह लाबोनी माँ की जान ले रही? अरे अरे बस बस बस, अरे मैं ना सिर्फ मजाक कर रहा था। सुन एक काम करते हैं हम लोग ना, मैच करते हैं। मैच मैच सीरियसली मैच करते हैं। सुन सुन, नेक्स्ट मंथ एग्जाम्स है, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आता है। इसमें तसल्ली गिन चुन कर तू 2.5 फीट की है, क्या करेगी? तुला मुझे दे। हो गया ना? क्या तू भी इतने छोटे से काम के लिए ना इतनी परेशान होती है? ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।